हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इम्पोर्टेंट वीडियो है, लोकेशन प्रेफरेंस फॉर्म जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, सीबीआईसी और सीबीटीटी डिपार्टमेंट में जिनका एसएससी सीजल 2017 के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, वो डेफिनेटली अभी भेज दें उसे। नहीं भेजोगे तो अननेसेसरी डिले होगा सभी लोगों के लिए। सीजल 2017 वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है सिर्फ ये, बाकी लोग इसे स्किप कर सकते हैं। आपका एग्जाम है, एग्जाम पर ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीबीआईसी और सीबीटीटी डिपार्टमेंट, इसके जो जोन प्रेफरेंस के फॉर्म थे वो निकले थे, मैंने दिखाया भी था आपको किस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जो लास्ट डेट है वो है 12 तारीख और सीबीटीटी डिपार्टमेंट में जो लास्ट डेट है वो है 15 तारीख। तब तक आपको जोन प्रेफरेंस के फॉर्म जमा कराने हैं। कैसे कराने हैं एक बार फिर बता देता हूँ। कुछ लोगों के अगर रह गए हैं तो उन सभी को कम्युनिकेट कर दो, क्योंकि अगर वो फॉर्म नहीं जमा कराएंगे तो डिपार्टमेंट उससे इंडिविजुअली कम्युनिकेट करेगा, इसमें टाइम डिले होगा और सबकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी, ठीक है। तो सभी लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर देना जिनका सिलेक्शन हुआ है, स्पेशली उन लोगों तक जो सदर्न रीजन में है या फिर ईस्टर्न रीजन में, जो नॉर्दर्न रीजन वाले हैं, सेंट्रल रीजन वाले हैं, ज़्यादातर लोगों को पता होगी ये सारी चीज़ें, तो वो उन्होंने कर दिया होगा। जिन्हें नहीं पता वहाँ तक बात पहुँचा देना। और कई बार क्या होता है, जो टैक्स असिस्टेंट वगैरह लगते हैं तो कई बार वो ज्वाइन भी नहीं करते, उनकी अगर कहीं और अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं इस चीज़ को। अब वो नहीं ज्वाइन कर रहे तो वो प्रेफरेंस फॉर्म भी नहीं भरते, लोकेशन प्रेफरेंस फॉर्म, और इस वजह से क्या होता है, डिपार्टमेंट तक उनका फॉर्म नहीं आया तो वो उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, इसमें नेसेसरी डिले होगा, जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड की जाएगी, जिस वजह से सभी लोगों की ज्वाइनिंग डिले हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है इस बारे में, लेकिन कल मेरे पास एक मैसेज आया कि मुझे टी एन सी बी डी टी मिला है और ठीक है कुछ तरह कुछ कोई फॉर्म भरना है क्या मुझे, क्योंकि मैंने वहाँ पे अपनी कल फोटो डाल दी जिसमें मैंने प्रेफरेंस फॉर्म सबमिट किया था, उसके बारे में बताया था। तो काफ़ी लोगों की कमेंट आए इस पर कि कैसे बाय हैंड देना है, बाय पोस्ट देना है, तो मैं अगेन एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि पता चल जाए। सभी लोगों को सबमिट करना है, ठीक है, डेट से पहले सबमिट करना। आपको ज्वाइनिंग लेनी है या नहीं लेनी तब भी सबमिट करना है। नहीं सबमिट करना मतलब अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी तो आप उन्हें मेल डाल सकते हो कि मुझे ज्वाइन नहीं करना, अपनी डिटेल्स डाल के अपना रोल नंबर बता दोगे, ठीक है, नाम बता दोगे और कोई भी प्रूफ दे दोगे जिससे कि वो आप ही हो, आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप मेल पे या फिर पोस्ट कर सकते हो। अभी मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ेंगी अगर आपको नहीं लेना, नेम, रोल नंबर और कोई भी प्रूफ आपका सिलेक्शन हुआ है, कि आपका ही है वो रिजल्ट, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उसमें लास्ट डेट है 12 तारीख। उसमें क्या करना था आपको, जो ये ईमेल आईडी है mohammad.asif@nic.in, इस पे अपने डॉक्यूमेंट भेजने थे। इसमें एक तो परफॉर्मा भेजना है आपको, ठीक है, स्कैंड कॉपी भेजनी है एडमिट कार्ड की सेल्फ अटेस्ट करने के बाद, और साथ ही साथ अपने आईडी प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ये तीन चीज़ें आपको क्या भेजनी है, मेल पे भेजनी है, किस पे, mohammad.asif@nic.in, जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाय पोस्ट या कुछ नहीं करना, आपको ईमेल के थ्रू ही अपनी परफॉर्म अपने पोस्ट जोन प्रेफरेंस भेजनी है, ठीक है। तो ये था मटेरियल जो आपको भेजना था, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड करके भेज सकते हो, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें होंगी, आपका नाम, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें भर के आपको यहाँ पे भेजनी होगी। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई थी कैसे कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी सीबीडीटी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें लास्ट डेट जो है वो 15 तारीख है, ठीक है, और एड्रेस है ये। अब यहाँ पे इस एड्रेस पे या तो आप बाय हैंड जाके दे आओ, ठीक है, खुद जाओ वहाँ पे दे आओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, स्पीड पोस्ट, और उसमें एक ट्रैकिंग आईडी आपको मिलेगी, ठीक है। उस ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको जो पार्सल है वो पहुंचा या नहीं पहुंचा टाइम पे, ठीक। तो दोनों की तरफ से आपको प्रूफ मिलते हैं। अगर बाय हैंड आप देके जा रहे हो तो आपको क्या करना है वहाँ पे, साथ ही साथ जो आपका परफॉर्मा होगा, मतलब जो आपका जोन प्रेफरेंस का फॉर्म होगा ये, इसकी एक फोटोकॉपी भी लेके जाना भरने के बाद, और उस पर स्टैंप लगा के दे देंगे वो, जिससे कि रिसीविंग हो जाएगी, एक तरह से आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आप दे आए वहाँ पे जाके, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन है, सभी लोगों तक कन्वे कर देना जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। ये वाला भी आया था मेरे पास एक मैसेज कि बोडीली जाके सबमिट करना है या फिर बाय पोस्ट भेजना है सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। सीबीआईसी में तो मेल के थ्रू भेजना है, सीबीडीटी में या तो आप खुद जाके या फिर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। खुद जाके ले रहे हो तो एक फोटोकॉपी एक्स्ट्रा लेके जाना, वहाँ पे उस पर स्टैंप लगा देंगे तो रिसीविंग मिल जाएगी। पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो तो हर पोस्ट के लिए आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलती है, तो उससे आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका वहाँ पे पहुँचा नहीं पहुँचा। जो लास्ट डेट है उसके बाद है ना, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे पहुँचा नहीं पहुँचा सारी चीज़ें, क्योंकि जो अब वो अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे किन किन लोगों का फॉर्म आ चुका है जोन प्रेफरेंस का। तो जब लास्ट डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा किन किन लोगों ने भेजा है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों तक कन्वे करनी थी, और बाकी आप आगे लोगों तक पहुंचा दो, जिससे कि जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, वो भर दें या फिर ये बता दें कि उन्हें जॉब नहीं लेनी, तो वो मेल डाल दें सीबीआईसी डिपार्टमेंट या सीबीडीटी डिपार्टमेंट में कोरियर करके या किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करके अपने बारे में बता दें, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपसे यहीं पर बता लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।